हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द मेथड्स टू एस्टिमेट द रन ऑफ। बेसिकली यहाँ पर एस्टिमेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज यील्डिंग हम उसकी बोल रहे हैं, या तो हमें यील्ड कैसे निकालना किसी भी कैचमेंट का। तो बेसिकली यहाँ पर द टोटल क्वांटिटी ऑफ सरफेस वाटर दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन अ गिवन पीरियड फ्रॉम अ चैनल एट द आउटलेट ऑफ इट्स कैचमेंट इज शोन एज यील्ड ऑफ कैचमेंट इन दैट पीरियड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड ऑफ कैचमेंट बोलते हैं। यील्ड इज डिफाइंड बाय इट्स पीरियड एज अ सीजनल यील्ड्स ऑफ अ सीजन और एनुअल यील्ड ऑफ एनुअल। यदि हम लोग यील्ड की बात करते हैं तो यील्ड कैन बी एस्टिमेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट मेथड है हमारा, दैट इज कोरिलेशन ऑफ स्ट्रीम फ्लो एंड रेनफॉल। सबसे पहला है हमारा, दैट इज कोरिलेशन ऑफ, यहां पर दो चीज का कोर रिलेशन हो रहा है, दैट इज स्ट्रीम फ्लो और रेनफॉल। रेनफॉल और स्ट्रीम फ्लो के बीच में जो कोर रिलेशन हो रहा है, हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, यील्ड को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोर रिलेशन ऑफ स्ट्रीम फ्लो एंड रेनफॉल के क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट होती है, क्या उसके बेसिक फॉर्मूले हैं। तो बेसिकली जो रिलेशनशिप बिटवीन द रेनफॉल इन अ पीरियड ऑफ कैचमेंट एंड द करस्पॉन्डिंग रन ऑफ एट दैट कैचमेंट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इसको बहुत ही क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स मेथड है कि हम लोग इसका रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सके। एंड इट इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स रिलेटिंग टू कैचमेंट एंड क्लाइमेट कंडीशंस। ये बहुत सारी बेसिकली अलग अलग चीजों पर फैक्टर्स पे क्या करता है, इट इन्फ्लुएंस्ड, इस क्या है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। इट ऑफन नेसेसरी टू डेवलप रिलेशन बिटवीन प्रिसिपिटेशन एंड रन ऑफ। सच रिलेशनशिप इज आर यूजुअली इन एक्सट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन। यदि हमें कोई एक डेटा अवेलेबल है और अदर फाउंड करना है तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन लाइन मेथड को हम लोग यूज करते हैं। और सबसे पहला मेथड है, दैट इज लीनियर लाइन रिग्रेशन मेथड। यदि हमें कोरिलेशन निकालना है स्ट्रीम फ्लो और रेनफॉल का, तो सबसे पहले आता है लीनियर रिग्रेशन लाइन मेथड। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड है इस लीनियर रिग्रेशन लाइन मेथड। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग कैसे देंगे यहां पर, तो इसका इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, आर इक्वल टू होता है ए पी प्लस स्मॉल बी। यहां पर ए क्या है, आर बेसिकली हमारा रन ऑफ है, पी क्या है, यहां पर रेनफॉल है, ए एंड बी यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। यदि हम लोग ए की बात करते हैं तो ए बेसिकली हम लोग कैसे निकालते हैं, दैट इज कैपिटल एन ब्रैकेट समीशन ऑफ पी आर माइनस समीशन ऑफ पी समीशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय एन, यहां पर क्या है ब्रैकेट में, दैट इज समीशन ऑफ पी स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ पी का होल स्क्वायर। यदि हम लोग बी की बात करते हैं तो बी बेसिकली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज समीशन ऑफ आर दैट इज रन ऑफ माइनस ए समीशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय एन। एन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेट्स है ऑफ आर एंड पी। यदि हम लोग नंबर ऑफ कितने ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, कितने इयर्स ले रहे हैं, कितने मंथ के ले रहे हैं, तो दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यदि हम रिलेशनशिप देखें तो इट होल्ड गुड व्हेन, यदि ये रिलेशनशिप अच्छी साबित होने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है, दैट इज ए बी है वो बेसिकली स्मॉल देन आर स्मॉलर देन वन। यहां पर हमारा ये क्या है, कम होना चाहिए। यदि हम R की बात करते हैं तो R बेसिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यदि हम R की बात करें तो R कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्मॉल r इज इक्वल्स टू n समीशन ऑफ पी आर माइनस समीशन ऑफ p समीशन ऑफ r डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ होल अंडर रूट बेसिकली एन। यहां पर क्या आएगा, दैट इज समीशन ऑफ पी का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ पी का होल स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एन सम्मीशन ऑफ आर का स्क्वायर माइनस सम्मीशन ऑफ आर का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. सो बेसिकली यहां पर इनका पूरा होल स्क्वायर है और ये पूरा डिवाइड में है. यहां पर ऊपर की टर्म और डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर अलग अलग है. यदि यही कैचमेंट एरिया हमारा बहुत ज्यादा बड़ा हो तो इट इज गुड टू यूज एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप. यदि यही फॉर्मूले को हम लोग एक्सपोनेंशियली भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर लॉग की टर्म्स आ जाएंगे. नेक्स्ट आता है हमारा कि हम लोग रन ऑफ कोफिशिएंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज सेकेंड मेथड. सो कोरिलेशन ऑफ स्ट्रीम फ्लो और रेनफॉल में सबसे पहला मेथड हमारा क्या था, दैट इज सबसे पहला मेथड हमारा लीनियर रिग्रेशन लाइन मेथड है. दिस इज नोन एज लीनियर रिग्रेशन लाइन मेथड. ये हमारा क्या है, लीनियर रिग्रेशन लाइन मेथड है. यदि हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं तो सेकेंड मेथड बेसिकली क्या है हमारा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्यूटिंग रन ऑफ बाय यूजिंग रन ऑफ कोफिशिएंट. इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्यूटिंग रन ऑफ बाय यूजिंग रन ऑफ कोफिशिएंट. यदि हम लोग वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ को एस्टिमेट करना चाहते हैं तो हमारे पास इक्वेशन है Q = KP. Q बेसिकली यहां पर क्या है, Q यहां पर हमारा रन ऑफ बता रहा है कि रन ऑफ है. यदि हम लोग बात करते हैं K की तो रन ऑफ कोफिशिएंट है ये हमारा, दैट इज रन ऑफ K रन ऑफ कोफिशिएंट है. एंड P हमारे यहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, P बेसिकली हमारा प्रिसिपिटेशन को बता रहा है, प्रिसिपिटेशन. यदि हम लोग K की बात करते हैं तो K वैल्यू वेरीड फ्रॉम, K की बेसिकली वैल्यू है दैट इज 0 to 1 के बीच में. यदि हम लोग K की बात करें तो वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द इम्परवियसनेस ऑफ द कैचमेंट एरिया. इट्स वैल्यू इंक्रीज एज इम्परवियसनेस ऑफ कैचमेंट एरिया इंक्रीजेज. यदि इम्परवियसनेस इंक्रीज हो रही है तो K की वैल्यू हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी. क्यों इंक्रीज होगी, बेसिकली हम लोग इक्वेशंस में देखते हैं, यदि ये इंक्रीज हुआ तो हमारा ये टर्म इंक्रीज होगा, दैट इज रन ऑफ भी इंक्रीज होगा. तो इम्परवियसनेस बेसिकली क्या होगा, परवियस यदि हमारा सॉइल होता है तो इनफिल्ट्रेट हो जाता है हमारा पानी, तो वो बेसिकली मैक्सिमम वाटर क्या है वहां पर, रन ऑफ में कन्वर्ट नहीं होता. इसीलिए हमारा के की वैल्यू बेसिकली इम्परवियसनेस पे डिपेंड करती है. सो थर्ड मेथड की यदि हम बात करते हैं तो थर्ड मेथड बेसिकली इसका थर्ड मेथड है, दैट इज यदि कंप्यूटिंग रन ऑफ बाय यूजिंग इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी. यदि हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो यदि हम रन ऑफ कैलकुलेट करना है तो हम लोग इसको बेसिकली इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से भी निकाल सकते हैं. इनफिल्ट्रेशन कर्व, बेसिकली इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व और हाइड्रोग्राफ कर्व को हम लोग क्या करते हैं, सुपर इम्पोज्ड करते हैं एक दूसरे पे, और उससे जो भी रन ऑफ निकल के आता है दैट इज नोन एज, वो हमारा क्या वैल्यू होती है, रन ऑफ की वैल्यू होती है. यदि हम बात करें इस ग्राफ की तो ये ग्राफ बेसिकली रेनफॉल रेट और टाइम के बीच में हमारा क्या है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व बना हुआ है. सेकेंड वन इज बेसिकली हमारा क्या, हाइटोग्राफ बना हुआ है. यदि हम लोग इस ये डॉटेड पॉइंट को देख रहे हैं तो ये बेसिकली हमारा क्या डिनोट कर रहा है, ये हमारा इनफिल्ट्रेशन कर्व को डिनोट कर रहा है. इन दोनों ग्राफ को मैंने सुपर इम्पोज कर दिया है और जो भी हमारा निकल के आता है उसके अबो जितना भी है बेसिकली ये हमारा क्या है डिनोट करेगा, ये बेसिकली हमारा क्या है, रन ऑफ को डिनोट करेगा, कि हमारा जो भी इनफिल्ट्रेशन के बाद कितना सरफेस पे फ्लो हो रहा है दैट इज नोन एज रन ऑफ. तो ये हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों कर्व को सुपर इम्पोज करके भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रन ऑफ को निकाल सकते हैं. लास्ट प्रोसीजर बेसिकली हमारा, यदि हम देखें
तो हमारे कोरिलेशन में बेसिकली लास्ट में क्या आता है, रन ऑफ डेप्थ बाय यूजिंग इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसेस. इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसेस भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स को भी हम लोग देख चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी देख चुके हैं, और उसी एक न्यूमेरिकल में हम लोगों ने बेसिकली रन ऑफ को भी कैलकुलेट किया था कि हम लोग रन ऑफ को कैसे निकालते हैं आफ्टर फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स. यदि हमारा कोई भी वैल्यू दी गई हो, या तो फाई इंडेक्स की वैल्यू दी हो क्वेश्चन में या डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू दी हो, तो हम लोग रन ऑफ को कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं. तो हमारा फोर्थ पॉइंट बेसिकली क्या डिपेंड करता है, फोर्थ पॉइंट हमारा रन ऑफ डेप्थ निकाल सकते हैं हम लोग, रन ऑफ डेप्थ बाय यूजिंग इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस. इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, रन ऑफ को निकाल सकते हैं. नेक्स्ट यदि हम देखें सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट बेसिकली हमारा क्या डिनोट करेगा, दैट इज बी पॉइंट. यदि हम देखते हैं हम लोग इनफिल्ट्रेट कैसे निकाल सकते हैं आफ्टर देन कोरिलेशन के अदर देन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देर आर द इम्पीरिकल इक्वेशंस दी हुई है. इम्पीरिकल इक्वेशन बेसिकली जो कि अलग अलग साइंट ने अपने अपनी इम्पीरिकल इक्वेशन दी है रन ऑफ कैलकुलेट करने के लिए. फर्स्ट इक्वेशन बेसिकली ब्लेनी परसेंटेज ने दी हुई है हमारी, और उसने क्या ये इक्वेशन बेसिकली ड्राइव की थी एक स्मॉल एरिया से नागपुर के, जो कि बेसिकली इट इज ऑल्सो जनरली यूज इन द मध्य प्रदेश एंड विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र फॉर द एस्टिमेशन ऑफ यील्ड. दीज गिव्स द परसेंटेज ऑफ रन ऑफ फ्रॉम द रेनफॉल, कितना परसेंटेज रन ऑफ का निकल रहा है. सेकेंड मैथड है दैट इज बार्लो. सेकेंड मैथड बेसिकली इसमें है हमारा दैट इज बार्लो टेबल ने बेसिकली हमारा क्या दिया है, दीज देयर टेबल्स आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द रन ऑफ इन स्मॉल कैचमेंट एरिया इन उत्तर प्रदेश. यदि उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग यूज करते हैं तो बार्लो टेबल का यूज करेंगे. थर्ड वन बेसिकली हमारे पास आता है दैट इज स्ट्रेंजस strangest टेबल. और यदि strangest टेबल की बात करते हैं तो ये बेसिकली यूज होता है बॉर्डर रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, वहां पर यदि हमें रन ऑफ की वैल्यू निकालना है तो हम लोग strangest टेबल की यूज करेंगे. फोर्थ वन बेसिकली हमारे पास आता है दैट इज इंग्लिश फॉर्मूला, दैट इज इंग्लिश एंड डिसूजा फॉर्मूला. सो बेसिकली ये दो फॉर्मूले दोनों ने मिलकर हमारा एक फॉर्मूला इंपीरिकल फॉर्मूला दिया है, टू फॉर्मूला बेसिकली टू एस्टिमेट द रन ऑफ इन वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया में निकालना है तो वन ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड अनदर वन इज डेक्कन प्लेट्यू. यदि दो अलग अलग पॉइंट पे हमें यदि निकालना है तो हम लोग इंग्लिश और डिसूजा फॉर्मूला का यूज करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल टू हाउ टू एस्टिमेट द रन ऑफ फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मूलाज. थैंक यू वेरी मच.